आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम। मैं हूं नरेंद्र सिंह ठाकुर। आइए नजर डालते हैं अहम खबर पर। मर्सोगी डू एसोसिएशन उधमपुर की जानिब से बेसिक ट्रेनिंग कैंप का किया गया इनकार। ब्यूरो रिपोर्ट उधमपुर से विनय शर्मा। अमित जी, ये हमेशा मैंने देखा है, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, आगे का ये बढ़ चढ़ करके, या तो हैंडबॉल हो, हर तरीके की स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देते रहते हैं। हमारे खालसा साहब है जिससे यहाँ के अभी इस चुबीट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा कदम उठाया गया है गवर्नमेंट टीचर्स के लिए कि इनको यहाँ पर बुला करके ट्रेन किया जा रहा है। सो मोटो वैसे ही बात कर रहा था, तो बाद आपकी दो टाइकोन दो बच्चों की जो मुझे लगता है एक ही आर्ट की डिफरेंट नेम्स है, मार्शल मतलब लड़ने वाली आर्ट सब ये डिफरेंट नेम्स है, थोड़ा बहुत ये वेरी करता है कुछ ना कुछ डिग्रीज से, तो इट्स अ गुड आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस का सबसे बेहतर तरीका है ये। मैं खुद भी जूडो कराटे का स्टूडेंट रहा हूँ, बट हमने जो सीखा है ये दिस आर्ट इज़ नॉट फॉर अटैक और फॉर ऑफेंस, दिस इज only in return, not for only defense, but defensive offense होता है कि जब आपको आपके ऊपर कोई अटैक करे तो अपने आपको डिफेंड भी करना है, फिर ऑफेंसिवली उसको हेड ऑन करना है। इस कला में जैसे भी वो किया तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा इनको वार्मिंग अप कराएं, उसके बाद फुल स्ट्रेचिंग वार्मिंग अप के बाद पता लगा यहाँ पर से आर्ट के लिए जाने के बदले वो इंजरीज लगेगा। देखिए ये उधमपुर जो मर्सोगी डू एसोसिएशन है उसकी तरफ से एक बेसिक जो ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है, ये बेसिक ट्रेनिंग कैंप जो है ये जो गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनके लिए ये लगाया गया था रबिया तलीम के तहत जो अभी नियुक्त हुए हैं, तो इनको ये ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। 5 दिन की ये ट्रेनिंग यहाँ पर रहेगी मार्शल आर्ट्स की। उसके बाद लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।